मम्मी योम तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूँ एचपी मांचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। सुबह सुबह पहले मौसम देखते हैं। मौसम इस तरह से तो मैं कहीं पे जा रही हूँ, पहले सामान डालते जहाँ पे मैं जा रही हूँ खाने के लिए उनके लिए। तेरे को तो ले ही नहीं जाऊंगी, गेट मैंने बंद कर दिया। ताई से इधर ही बैठना ठीक है, तेरा काम नहीं है उधर, नहीं तो ले जाती हूँ। एक को घर रखा है, एक उधर से आ रहा है साइड साइड होके। जीनो मैं जा रही हूँ दूर जंगल में, वहां पे मम्मी ने पिछले कल बिल्ली और बिल्ली के बच्चे देखे, किसी ने उधर छोड़े है, वो बहुत ही छोटे बच्चे, तो मैं उनको लाने जा रही हूँ। अब देखती हूँ कहाँ पे रखना है मैंने उनको। और साथ में मैंने दूध डाला है, रोटी डाली है, पता नहीं उनकी माँ ने खाया कि नहीं खाया। बट ये जीनू ये साथ में आएंगी तो वो डर जाएगी। फिर अब ऐसा हो मैं उधर पहुंचूं और बिल्ली जो अपने बच्चों को लेके कहीं दूर चले गई हो, अगर नहीं लेगी है तो मेरे को हो जाएगी समस्या, फिर मैं कैसे लाऊंगी बिल्ली को। चलो वो पता नहीं बच्चों को छूने देगी या नहीं खुद को। नमस्ते, दो गले यहाँ से देखो ऊपर से स्लाइडिंग, यहाँ थोड़ा जैसे ही बच्चा है, इन छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ से, जो को ने दुखी करके रखा तीन दिन। इतनी छोटी छोटी लगी है, पर दूसरा पैर भी चेक कर ही लेते हैं। नहीं निकला, जैसा मैंने सोचा था वैसा है ही नहीं, मेरे को बच्चों की आवाज आ रही है। चलो देखते क्या क्या है आज जंगल में छोड़ा है। देखो कहाँ से आवाज सुना थी, इधर देखो ऐसी जगह पे डाल के रखा है। बिल्लू ओह इतने छोटे छोटे बच्चे, आ जा आ जा आ जा बिल्लू मम्मा आउच। मम्मा कहाँ है आप लोगों की है, कहाँ हूँ वहाँ, मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ मैं, हाँ रुक छोड़ो मेरे को, छोड़ो एक मिनट छोड़ दो बच्चे, छोड़ो ना मेरे छोड़ दो एक मिनट। मेरे पीछे पीछे एक इधर देखो जहां मैं जा रही हूँ उधर आ रहे, रुको एक मिनट यहाँ पे बैठो तो सही है, चल ऊपर चल। इतने प्यारे प्यारे इतने छोटे छोटे, पता नहीं कैसे इंसान है। इसको क्या हुआ है, सबसे शरीफ लगा है कोई है। इधर देखो पूरा गिल्ला है, बैठने को तक नहीं है इनको, बाहर से निकाले मैंने ऊपर जैसे रास्ते में, नीचे बहुत सारी जोके और मैंने दूध लाया वो पिलाती हूँ इनको, बट ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, पीछे पीछे पैरों से ऊपर चढ़ के बैठो यहाँ पे, उतरो
ये नहीं मेरी जान छोड़ ही रहा है, छोड़ दो। जस पता नहीं मेरे ही बच्चे ऐसे लिपट गए हैं कि मम्मा कहाँ है फिर भूख लगी है। ओके आ जाओ ए लो। आराम से बच्चे, एक को ही पता लगा, गिरा मत देना इसको नीचे बच्चे को। इनको अभी पीने का तरीका ही नहीं है, ये तो लगा है सही से, ये कि इसको नहीं पता ही लगा है दूध कहाँ है। यस यस पियो। इसने तो हाथ ही डाला है इसमें। ओ ढक्कना, चल एक पियो था। इसको आ गया फट से, शाबाश। चलो भूख तो इनकी शांत होगी, दूध इन्होंने पी लिया और थोड़ा जैसा बचा। अब इंतजार करूंगी मैं इनकी मम्मी का आने का, अगर वो आई तो उसको भी साथ में ही ले जाऊंगी, नीचे जाके रखूंगी मैं अच्छी जगह पे इनको, एक घर में। लेकिन वो आए तब तो मैं ले जाऊंगी। अब पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा मेरे को, अब वो सेफ है भी या नहीं मेरे को नहीं पता। ये तो देखो मेरे पीछे जा का बिल्लू यहाँ हुआ बार मता। तो अब जो मैंने बोरू लाया था रख दिया मैंने इनके नीचे बैठने के लिए सही से, और साथ में रोटी है, मक्खन है, मक्खन खा रहे थे ये। मक्खन बड़े प्यार से खा रहे हैं। देखो भाई मैं निकली हूँ सुबह 8 बजे से घर से, और मैं इंतज़ार करूँगी सिर्फ 11 बजे तक। अब मेरे को नींद आ रही है यहाँ पे। अब पता नहीं इनकी माँ अगर 11 बजे तक आई तो ठीक, नहीं तो मैं ले जा रही हूँ घर। कल भी यहाँ पे जिनू आया था, इनको खा रहा था, लेकिन इनकी माँ थी तब, उसने खाने नहीं दिया। अब मम्मी कह रही थी वो घायल थी, अब हो सकता है वो कहीं मर तो नहीं। मैं क्या ही करूं, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, दिन को कुछ ना कुछ इनको खा ही जाएगा। अगर इनकी माँ नहीं आई तो फिर मेरे को ही अफसोस रहेगा, इससे बेटर है मैं घर ले जाऊंगी, घर में पालूंगी, बाद में बड़े होके खुद ही चले जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ घर, और अब ले जा रही हूँ मैं उधर साइड ही पशु, वो भी इतने दिनों बाद, जब से मेरी गाय गिरी तब से मैं ले ही नहीं गई उनको। तो अब देखते दिन को अगर बिल्ली आई तो ठीक, नहीं तो मैं लाऊंगी आते वक्त उनको। ये दोनों मर जाएंगे ऐसे एक दिन, शरारती ऐसे ना। ए इधर तो देखो उठ, अब नहीं उठा। चलो मैं ले जा रही हूँ इनको, और ताई ले जा रही है बकरियां चराने के लिए। चल ना, चल आज मेरे पे। मैंने लाया इनको अपने साथ में, और ना वहां पे इनकी माँ आई है, और वहाँ पे ना वो वाले पक्षी आ गए थे जो ऐसे मांस मूस खाते हैं ना, वो वाले इनके पास, तो मेरे को अच्छा लगा मैंने ला दिए वहाँ से। वो दो तो सो गए चुपचाप, तेरे को क्या हो रहा है? ओ ओ ओ ओ चुप। ये दो देखो बिल्कुल शांत बैठे और सो भी गए बोरू के अंदर। ओ सॉरी, एक
नजर से देख रहा है कब से इन बिल्ली के बच्चों को। ले ले पकड़, ले अब देखो कैसे सोए गोद गोद में आके। इस बारी पता नहीं इस जंगल में ये अखरोट कैसे बच गए। जंगल के बीचों बीच जो है अखरोट का पेड़ लगा हुआ है, ऐसे तो बंदर पूरे खत्म कर देते थे, लेकिन पहली बार चखूंगी वो भी इस पेड़ का अखरोट। ताई तू कितने खाने? तीन ही निकाले, ताई ने चार खाने। बोल ढंगर बोल। ये हो रही है सवारी, बाय। रुक जाने ऐसी, ठीक है बाय। क्या हो रहा है ये? बस इधर पहुंचना है मैंने, यहां से इस नाली को क्रॉस करके। और ताई ने मेरे को जबरदस्ती भेजा यहाँ से, क्योंकि मैं जा रही थी नीचे नीचे होगी, उधर उधर होके आना था मैंने। अब हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इस नाली में जो कि बहुत ज्यादा होती है, मेरे तो अब भी से पैर लगे कांपने, पता नहीं आगे से वापसी आती हूँ या जाती हूँ। जिनो प्रभु, इतना भी बुरा नहीं है। चल चल ताई। फाइनली मैं घर पहुंच गई, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा थक गई इनको उठा उठा के पूरे जंगल में। ताई से नहीं दर्द ये खाओगे भी है? अगर टाइसन खाया ना तूने, ले ले क्या है? नीचे इधर देखो इसके नखरे, जब तक दूध ना मिले ना किचन में आके बैठेगी चारा। चारा क्या लोड़ी है? जिनु सोया थप्पड़। टाइसन कहाँ गया है? इसके मजे पूरा पूरा घास होता है इसके मुंह के पास पड़ा हुआ। बोलो बोलो नमस्ते। चलो ऊपर जाना है हमने। ओ कहाँ पहुंच गए हम? अभी ऐसी होगी ना, हाथ में तक नहीं आती, ऐसी भागती है ये। चल हाँ की बैठी है, हाथ पैर फैला के है। हाँ मजा आता है इनके ठराने कैसे। जीरो मैं लगी हूँ सारे में ढूंढने। मम्मी मम्मी डांगरे सब सोए पड़े, मैंने कब सोना? मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगी, पता नहीं। चारा आज ऊपर आजा। चलो जी अब मिलूंगी मैं आपको ज्यादातर इधर ही, और जो मैंने बच्चे लाए ना वो मैंने ऊपर रखे टाले में, और यहाँ पे पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद अच्छा होगा यहाँ पे लाऊंगी नीचे। और ऐसे में आती थी और मिट्टी वाले घर में अच्छा होता है ठंडा ठंडा। आजा
आजा शरारती आजा ये क्या है पीछे बारिश या धुंध? बारिश थी और हम जा रहे थे मिर्ची के खेत में काम करने। ओ मेरे चल चल धूप भी और साथ में इतनी ज्यादा बारिश भी। तब से हम यही पे फंसे। बारिश थोड़ी कम हो गया, जा रहे हैं घर। बार बार आ रही है बारिश। इधर देखो चल टैक्सी लगा दौड़। टैक्सू पिछर इतने दिनों से मतलब इतनी ज्यादा धूप होती थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद ऐसी बारिश हो रही है। ले जा गुड अंदर ले जा, छोड़ अब कान टाइसन कान ये पकड़ा इसका। चल ले जा अंदर, जा 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 जा। जब तक अंदर नहीं जाएगा छोड़ भी ऐसे जाएगा टाइसन ऐसे इतना टाइम बस आज अब हो गया। आज मैंने इतना कुछ सोचा था, मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन इस बारिश की वजह से सब खराब हो गया। फिर चलो मिलते हैं नए दिनों नए ब्लॉग के साथ। बाकी सामने बाकी वीडियो के लिंक आ रहे हैं वो देख लो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।